हम सभी जानते हैं कच्ची हल्दी हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। कच्ची हल्दी से लीवर में सुधार होता है। कच्ची हल्दी से डिप्रेशन जैसी बीमारियों को कम करने में मदद मिलती है। कच्ची हल्दी से कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। इसे डायबिटीज़ भी कंट्रोल होता है। त्वचा चमकदार बनती है। पाचन क्रिया मजबूत होती है। इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। ऐसे कई बीमारियाँ से राहत हमें मिलती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज मैं कच्ची हल्दी की रेसिपी लाई हूँ। तो कच्ची हल्दी को काफ़ी बढ़िया से मैंने पहले धो लिया था। धोने के बाद काफ़ी बढ़िया से पानी सुखा लिया था। उसके बाद इसका छिलका मैंने उतार दिया है और उतारने के बाद इस तरीके से लंबे लंबे शेप में मैंने काट लिया है। और कच्ची हल्दी का जो छिलका मैंने उतार लिया था उसे मैंने फेंका नहीं है। वो बहुत ही फायदेमंद होता है तो इसे भी यूज करेंगे। हमारा कच्ची हल्दी भी काफ़ी बढ़िया से मैंने इसे काट लिया है। और अब यहाँ पे मैंने 3 पाव दूध लिया है। 300 ग्राम दूध है और इसमें मैंने सभी छिलकों को डाल दिया है और इसे काफ़ी बढ़िया से खौलने के लिए छोड़ देंगे। बहुत देर तक इसे अच्छी तरीके से खौलाएँगे और इसे पीला होने तक रहने देंगे और धीमी धीमी आँच पर इसे खौलाते रहेंगे। उसे दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया है। साइड में मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने डाला है घी और देखिए इसे घी में ही बनाइएगा, ठीक है। इस रेसिपी को खासकर बनाने के लिए आप घी का ही प्रयोग कीजिएगा क्योंकि घी और कच्चा हल्दी का कॉम्बिनेशन हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। घी जब अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, तब यहाँ पे कच्चा हल्दी काटा हुआ डाल देंगे। और घी का मात्रा आपको ज़्यादा नहीं रखना है, 1 से 2 चम्मच ही रखिएगा। और मीडियम आंच पे इसे फटाफट फ्राई करेंगे और तुरंत ही डालेंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक और यहाँ पे डालेंगे 1/2 चम्मच या फिर अपने मन अनुसार नींबू का रस डाल लीजिएगा, आप कितना खट्टा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नींबू का रस और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। दोनों डालने के बाद इसे फटाफट 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे यानी कि फ्राई करेंगे। और इसे पकाना नहीं होता है, मात्र 2 से 3 मिनट तक ही इसे मीडियम आंच पे फटाफट चलाकर फ्राई करते जाएंगे। बस इसे ना इसका जो करवाहट है उसका हटा देना होता है, बहुत अधिक पकाना नहीं होता है, इसे कच्चा ही रखते हैं। फटाफट 2 से 3 मिनट तक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे साइड में भी हमारा जो दूध है, हल्दी वाली दूध, वो भी खौल रहा है, बॉयल हो रहा है, काफ़ी बढ़िया से ये खोल रहा है। और खोलते खोलते देखिए एकदम बिल्कुल ही पीला कलर आ चुका है। यहाँ पे हमारा 2 से 3 मिनट हो भी गया है और बिल्कुल ही बढ़िया सा ये हो चुका है। तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और अब आंच पर से बंद करेंगे। और देखिए जब मैंने रेसिपी बताया था ना, तो पहले कच्ची हल्दी को काफ़ी बढ़िया से पानी से धो लीजिएगा, सुखा लीजिएगा, उसके बाद छिलका उतारिएगा। छिलका उतारने के बाद हल्दी को मत पानी से गीला कीजिएगा, ठीक है। वैसे अगर आप करते हैं तो आपका जो रेसिपी है वो अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगा। और इस हल्दी को शीशे के जार में रखेंगे। जब शीशे के जार में रखते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक चल पाता है। और एक बार में इसे अधिक मात्रा में मत बनाइएगा। 250 ग्राम मैंने हल्दी लिया था, मात्र 250 ग्राम ये 15 दिन के लिए काफ़ी है। और इसे इस तरीके से रखिए, जब भी मन करे आप खाइए। आप अचार जैसा भी यूज कर सकते हैं खाने के साथ, या फिर सुबह सुबह 1 से 2 टुकड़ा लीजिए खाली पेट और इसे खाइए, आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। कफ से राहत मिलेगा, खांसी दूर होगी। इसे आप अपने खाने वाले सलाद में भी शामिल कर सकते हैं और ये खाने में बहुत चटपटा होता है। ये तो मेरा बेटा भी बहुत खाता है, उसे बहुत ज्यादा पसंद है। अब यहाँ पे कच्ची वाली जो हल्दी का छिलका जो था उसका भी दूध में मैंने डाल दिया था छिलका। ये काफी बढ़िया से दूध में सारा कलर आ गया है। तो अब इसे छान लेंगे। आप कच्ची हल्दी को खलबट्टे में कूट कर दूध में डालकर खौलाकर इस तरीके से हल्दी का दूध बना सकते हैं और रात में पी सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद होता है, ठंडी से बचाता है। और इसमें आप गुड़ का इस्तेमाल करिएगा। तो मैंने यहाँ पे अपने मीठा के अनुसार गुड़ डाला है और हल्दी वाली जो दूध होती है उसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। और देखिए हमने 2 रेसिपी तैयार कर लिया है। एक तो मैंने खास रेसिपी बनाया है कच्ची हल्दी का जो मैंने फ्राई किया है उसका, और उसका छिलका को मैंने वेस्ट ना करके मैंने दूध में इस्तेमाल कर लिया है। तो आप 2 तरीके से 2 रेसिपी आप एक ही वीडियो में सीख गए हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज की जो हमारी रेसिपी है कच्ची हल्दी वाली, वो मेरी सिस्टर का बताया हुआ है। मेरी सिस्टर ने ही बताया था और मेरे हस्बैंड को ये काफ़ी पसंद है। हर ठंडियों में मेरे हस्बैंड इसे ज़रूर खाते हैं।
कच्ची हल्दी में आयरन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। ये हमारे त्वचा को एकदम ग्लो करता है और दर्द से राहत देती है। अगर आप कच्ची हल्दी दूध के साथ मिक्स करके पीते हैं तो आपको दर्द में बहुत राहत देगी। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।